तकवा का अदब ये है कि ईमान बगैर तरद्दुद के हो, यानी जब ईमान आ जाए तो फिर हालत ईमान में कभी तरद्दुद इर्तियाब शक को शुबा ऐसे अप्स एंड डाउन्स जो ईमान की हालत को मुतग़य्यर करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। तो ईमान तरद्दुद के बग़ैर हो और इल्म दुनियावी गरज और गायत और दुनियावी लालच के बग़ैर हो, अमल मासियत यानी अल्लाह की नाफरमानी के बग़ैर हो, ज़ुहद जब बेरग़बती दुनिया की दिल में ले आए तो फिर आरज़ू के बग़ैर हो ज़ुहद, फिर मज़ीद किसी चीज़ की तलब व आरज़ू न रहे, वो ज़ुहद को आलूदा कर देती है। और ज़िक्र गफलत के बग़ैर हो, जब अल्लाह की याद में दाखिल हो गए तो फिर गफलत के लम्हात उस ज़िक्र को नुकसान न पहुंचा सकें, ज़िक्र हर वक्त ताज़ा रहे, ताज़ा दम रहे। यकीन शक के बग़ैर हो, जब यकीन नसीब हो जाए तो फिर जो भी हालात हों और अहवाल में जो भी तग़य्युरात हों, ज़िंदगी के वाक़ियात में जो भी ऊंच नीच आए, मगर वो यकीन में शक पैदा न करे। और शुक्र शर्त के बग़ैर हो, कि शुक्रमंदी ऐसी नसीब हो कि अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली तबीयत किसी शर्त का तकाजा न करे, कि ऐसा हो तो फिर तबीयत शुक्रमंद हो जाए, ऐसा न हो तो फिर शुक्र की कैफियत जाती रहे। नहीं, जब शुक्र है तो बिला शर्त हो, और सब्र हो तो बग़ैर शिकायत के हो। इस तरह खिदमत करे बंदा अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, दीन की, बुज़ुर्गों की, इंसानियत की, दोस्तों की, अज़ीज़ अक़ारिब की, भूले भटके कमज़ोर इंसानों की, जिसकी भी खिदमत करे तमा के बग़ैर हो खिदमत। और इबादत करे तो इबादत तवक्कुफ़ के बग़ैर हो, उसमें फिर ब्रेक ना आए, एक तसलसल हो।